गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। क्लास फर्स्ट, आपके एग्जाम आज से स्टार्ट हो चुके हैं। हिंदी का एग्जाम आपका कल है, तो आप उसका भी अच्छे से अभ्यास करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैंने आपको प्रैक्टिस आपको लगातार मैं करवा ही रही हूँ। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, वो आप हिंदी रीडर की कॉपी में करें, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो एग्जाम है उन्हीं में से आएंगे, ठीक है? उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है जिनकी प्रैक्टिस कराई चाहिए, तो आप अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है बेटा? आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, खरबूजा लेकर, ये पैराग्राफ में से बेटा, खरबूजा लेकर लेकर कौन आया? बड़े अक्षर की मात्रा के शब्दों में से है, पैराग्राफ में से है, आपको पैराग्राफ जरूर पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। नंबर 1, सीता। नंबर 2, सुमन। या फिर नंबर 3 है बेटा, पूजा। थर्ड ऑप्शन है आपका पूजा। तो खरबूजा लेकर कौन आया बेटा? पूजा। कौन आया खरबूजा लेकर? पूजा। ये पैराग्राफ में से है, उनकी मात्रा का आप टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। पूजा खरबूजा लेकर आई थी। दूसरा क्वेश्चन है, दीपावली के दिन, दीपावली के दिन दिन घरों में पूजा होती है, पूजा होती है। दीपावली के दिन घरों में पूजा होती है। नंबर 1, लक्ष्मी गणेश, ठीक है। नंबर 2, शिव पार्वती। या फिर नंबर 3 है, कोई नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। दीपावली श्री रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास पूरा करने पर जब वो अयोध्या जी लौटे थे, तो वो कौन से दिन थे? अयोध्या जी लौटे थे, उनके आगमन की खुशी में, उनके आने की खुशी में दीपावली मनाई जाती है, ठीक है? मनाई कब जाती है? कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है, ठीक है? जो अमावस्या की रात होती है वो बहुत ज्यादा काली रात होती है, उनकी रोशनी बहुत कम होती है। तो अपने राजा के आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अपनी अयोध्या नगरी को दीपों से बिल्कुल रोशन कर दिया, बहुत उजाला कर दिया। आज भी आप घरों में देखते हो, जब दीपावली आती है तो घरों में जगह जगह लाइटें लगाई जाती है, लड़ियां लगाई जाती हैं, दीपक जलाए जाते हैं, सब नए नए वस्त्र पहनते हैं, पहनते हैं ना बेटा? श्री रामचंद्र जी के वनवास काल में से हमें 2 त्योहार मनाते हैं। जब श्री रामचंद्र जी ने राक्षस राजा रावण का वध किया था, वध क्यों किया था रावण का? क्योंकि वो सीता का हरण कर कर ले गए थे, तो ठीक है ना? तो राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें हमारे श्री रामचंद्र जी क्या हुए? विजयी हुए। तो जिस दिन उन्होंने रावण को मारा था, उस दिन को हम विजय दशमी के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? विजय दशमी के रूप में, जिसे हम दशहरा भी कहते हैं। उस दिन रावण, कुंभकर्ण और वेदनाथ के पुतले जलाए जाते हैं, जगह जगह मेले लगाए जाते हैं। आप कभी दशहरे के मेले में घूमने भी गए होंगे, ठीक है ना? जगह जगह स्टॉल्स लगी होती है, झूले लगे रहते हैं, रावण कुंभकर्ण वेदनाथ के पुतले लगे रहते हैं, जो उन्हें श्री रामचंद्र जी का पोशाक या ऐसा उनका जैसे गैंडक लेके उनका वध किया जाता है। तो जिस दिन श्री राम ने रावण को मारा था, वो विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। और जब श्री रामचंद्र जी अपना वनवास कंप्लीट कर अयोध्या लौटे थे, उसे हम किसके रूप में मनाते हैं?
दीपावली के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो उस दिन बेटा घरों में लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। देवी देवता लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, घरों में पूजा की जाती है देवी लक्ष्मी और देवता गणेश की। लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, तो सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे घर में धन की बरसात होती रहे या हमें धन प्राप्त होता रहे। गणेश जी है जो रिद्धि सिद्धि के दाता है, घर में सुख शांति के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए दीपावली के दिन घरों में लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। तो बेटा इनकी पूजा होने से पहले घरों को सफा किया जाता है, व्हाइट वॉश की जाती है, बिल्कुल नए घर कर दिया जाता है, घरों में लाइट लगाई जाती है, दीपक जलाए जाते हैं और परिवार के सभी सदस्य नए वस्त्र पहनते हैं और सब मिलकर एक साथ लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। तो आपका प्रश्न आ जाए कि दीपावली के दिन घरों में पूजा होती है, किसकी होती है? लक्ष्मी और गणेश की, ठीक है, देवी लक्ष्मी की और गणेश जी की घरों में पूजा होती है, ना कि शिव पार्वती की या फिर कोई नहीं। तो सही ऑप्शन अपना क्या है? लक्ष्मी और गणेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, हाँ, बैलगाड़ी से खेत पर कौन गया? थर्ड क्वेश्चन है, बैलगाड़ी से बैल गाड़ी से खेत पर कौन गया? बैलगाड़ी से खेत पर कौन गया? ठीक है बेटा, सही ऑप्शन है नंबर ए कैलाश। तीन चॉइस दी गई आपको, कैलाश, नंबर दो शैलजा, नंबर थर्ड है कोई नहीं। तो बैलगाड़ी से खेत पर कौन गए थे? कैलाश। ये पैराग्राफ में से बड़े की मात्रा का जो पैराग्राफ है उसे आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। एक बार बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से आप अभ्यास करें इन क्वेश्चन का, एग्जाम में क्वेश्चन रिलेटेड भी आएंगे इनसे। बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से तैयारी करें बेटा। थैंक यू।